हे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज हम पीसी बिल्ड करेंगे अंडर 6000 रुपीज में, और इसमें हम यूज़ करेंगे एक इंटेल कोर 2 डियो E8500 प्रोसेसर की, जो कि बहुत ही अच्छा और चीपेस्ट प्रोसेसर है। और अगर आपके पास 6000 रुपीज़ बजट है और अगर आप चाहते हैं एक पीसी बिल्ड करना, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं सभी प्रोडक्ट का परचेस लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप इजीली परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे प्रोसेसर की, जो कि इंटेल कोर 2 डीओ E8500 प्रोसेसर है, और इसका जो प्राइस है 570 रुपीज़, जो कि आप यहाँ पर अमेजन पे चेक कर सकते हैं। इस प्रोसेसर में आपको 3.16 GHz स्पीड मिलता है, और इसमें आपको 6 MB L2 कैच मेमोरी मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। ये प्रोसेसर LG775 सॉकेट को सपोर्ट करता है। इस पीसी बिल में नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है मदरबोर्ड, और हम यहाँ पर मदरबोर्ड यूज़ करेंगे जापानी कंपनी की तरफ से G31 मदरबोर्ड, और इसका प्राइस है अमेज़न पे चेक कर सकते हैं, लगभग 2000 के आसपास आपको मिल जाता है। LGA775 सॉकेट मिलता है, जो आसानी से कोर 2 डियो प्रोसेसर यहाँ पर बैठ जाएगा। और इसकी फीचर की बात करें, यहाँ पर आपको कोर 2 डियो क्वाड कोर, कोर 2 डियो पेंटियम डुअल कोर प्रोसेसर यहाँ पर आप इस पर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इसमें सपोर्ट करता है। इस मदरबोर्ड में हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इस मदरबोर्ड में आप डुअल चैनल DDR2 रैम यूज़ कर सकते हैं, और इसमें आपको USB 2.0 वो मिल जाता है, और आप इसमें लगभग 4 GB DDR2 रैम यूज़ कर सकते हैं। तो यही कुछ खास फीचर है इस मदरबोर्ड में। इसका भी परचेस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, चाहे तो आप लिंक से परचेस कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है जेबोनिक CPU कूलिंग फैन, और इसका जो प्राइस है 228 ओनली, और ये आपको अलग से परचेस करना होगा, ये आपको मदरबोर्ड के साथ नहीं मिलेगा। सो, यहाँ पर हम रैम यूज़ करेंगे किंगस्टन कंपनी की DDR2, यहाँ पर 2 GB रैम यूज़ करेंगे, और इसका जो प्राइस है 527 ओनली, और इस रैम की रेटिंग आप देख सकते हैं, और या चाहे तो आप YouTube पर सर्च करके इसकी डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हैं। और इस रैम की जो स्पीड है वो है 800 MHz, जो कि बहुत ही ठीक ठाक स्पीड है इस बजट में। उसके बाद इस पीसी बिल में नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है सीगेट कंपनी की तरफ से 320 GB हार्ड डिस्क। इस हार्ड डिस्क की प्राइस है 1440 रुपीज़, अमेजोन में आपको मिल जाएगा आसानी से, और इस हार्ड डिस्क में कुछ खास डिटेल्स अवेलेबल नहीं था। सो, ये एक बहुत ही पुराना हार्ड डिस्क है, और जो कि हम इस पीसी बिल में यूज़ करेंगे। और यहाँ पर लास्ट जो कंपोनेंट है इस पीसी बिल में वो है कैबिनेट, और जो कैबिनेट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इंटेक्स कैबिनेट, जो कि IT514 इसका मॉडल नंबर है, और इसमें आपको एक SMPS इनबिल्ट मिल जाता है, जो कि आपको अलग से SMPS परचेस करना ज़रूरत नहीं है। और इसका जो प्राइस है 1400 ओनली, जो कि 1400 रुपये है, ऑनलाइन में आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस पीसी बिल हम यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड लगाएंगे तो हमारा बजट थोड़ा बढ़ जाएगा, तो इसी टाइट बजट की वजह से हम यहाँ पर यही सब कंपोनेंट यूज़ करेंगे। सो, इस पीसी बिल को करने का मकसद क्या है? अगर आप थोड़ी मोड़ी ब्राउजिंग, मूवीज़ वॉचिंग और 2007 की जो फोटोशॉप है उसको आप यूज़ करना चाहेंगे, तो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। और ये एक नॉर्मल पीसी है, आप चाहे तो आपके बच्चों के लिए, या फिर आप स्टूडेंट चाहते हैं, आपके पास स्टूडेंट्स हैं सीखने के आते हैं, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा CPU हो सकता है, और इसमें आप रैम को भी बढ़ा सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर 4 GB अप टू यहाँ पर रैम बढ़ा सकते हैं DDR2। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you.